हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चेक करना चाहूँगी अक्टूबर मंथ में क्या कुछ होने वाला है, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है, आप लोगों की एनर्जी क्या होगी, फाइनेंशियल लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ मैं चेक करने वाली हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप लोगों की एनर्जी क्या रहने वाली है अक्टूबर मंथ में। डोर टू रोमांस, ओके। वॉकिंग अवे, अटैचमेंट, ओके। यहाँ पर अक्टूबर मंथ में आपके सामने से कोई इल्यूजन हट सकती है। अब बहुत दिन से हो सकता है कुछ इल्यूजन में हो, जैसे कि आपको लगता है कोई आपका डिवाइन कनेक्शन है और आपको सडनली पता चल सकती है कि नहीं, या आपके कोई कार्मिक सिचुएशन थी, ओके। कुछ केसेस में ही यहाँ पर ऐसा हो सकता है, आप बहुत दिन से किसी के साथ अटैचमेंट में थे, नेगेटिव अटैचमेंट में थे, और उससे आप बाहर आ जाओ, आप खुद उस सिचुएशन से मूव ऑन करो, ये सिचुएशन यहाँ पर शो हो रहे हैं। अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप में फोकस रहेगी, लव लाइफ में आप ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपने आप को होल्ड करके रख रहे थे, खुद को बहुत ज़्यादा आप एक बिलीव में, एक होल्डिंग एनर्जी में आप रह रहे थे, तो उससे आप बाहर आएंगे, ओके। डोर ओपन होंगे, न्यू यहाँ पर आपकी हो सकता है होल्डिंग रिलीज होने के बाद न्यू तरीके से आप सोचना स्टार्ट करो, ओके। तो यस, बहुत कुछ चेंजेस आ रही है, स्पेशली लव लाइफ में बहुत चेंजेस यहाँ पर आप लोग नोटिस कर पाएंगे। अक्टूबर के मंथ में आप अपने लाइफ के कुछ नेगेटिव लोगों से भी बाहर आएंगे, डिटैच होंगे, ओके। कुछ लोगों को आप पीछे छोड़ने वाले हो, कुछ आदतों को आप पीछे छोड़ने वाले हो, यहाँ पर ये शो हो रहे। या फिर कोई ऐसी सर्कल थी जहाँ पर आप बहुत एडिक्टेड हो चुके थे, आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिस वजह से आपके काम नहीं बन रहे थे सही से, तो आप उससे बाहर आएंगे, ओके। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। चलिए और देखते हैं क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है। अक्टूबर में आपकी एनर्जी बहुत यहाँ पर प्रैक्टिकली शो हो रही है, आप प्रैक्टिकल माइंड से सोचेंगे, इमोशनल उतने ज़्यादा आप नहीं रहेंगे, और अपने लाइफ में डिसीजंस लेंगे, एक्शन लेंगे, जिस तरफ आगे बढ़ने से आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर आप लोगों के लाइफ में ना मेजर शिफ्ट लेकर आने वाली है, ये बार बार शो हो रहे हैं हर एक रीडिंग में। इंटिटिवली भी फील हो रही है ये कि अक्टूबर मंथ मेजर कुछ चेंजेस आप लोगों के लाइफ में लेकर आएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जैसे कि मैंने कहा ना, आप लोग अपनी स्टेबिलिटी में ज्यादा फोकस करने वाले हो, कोई अचीवमेंट भी आपकी होते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ पर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, और अगर आप लोग मेरी हर एक रीडिंग देखते हो तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लव लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अक्टूबर की मंथ। यहाँ पर मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए इस कार्ड को आना ही था, तब खुद से फ्लिप हुआ था और मैंने रख दिए थे डेक में फिर से, लेकिन ये अगेन आ चुका है। 10-10 की एनर्जी है। यस, आप लोगों की लाइफ में मेजर कुछ साइकिल एंड भी होगी, साथ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू चैप्टर आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर ओपन होने वाली है, न्यू फेज में आप लोग जाने वाले हो, जहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस होगी। ज़्यादातर मुझे लग रहा है ना, फाइनेंशियल लाइफ के जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रगल थे ना, वो कम्प्लीटली एंड होने वाली है, कम्प्लीटली, ओके। और साथ में लव लाइफ में भी कम्प्लीशन की एनर्जी है, मतलब इतने दिनों तक हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपकी लव लाइफ में स्टैग्नेशन थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो जैसे ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस होगी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ में भी ग्रोथ आपको दिखेगी, ओके। और हो सकता है फैमिली की वजह से यहाँ पर लव लाइफ में इश्यूज आ रहे थे, तो वो कंट्रोल कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। आप जो दूसरों के द्वारा कंट्रोल्ड होते थे, वो सिचुएशन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होगी, ओके। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए वेट करा है इस अक्टूबर में।
व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, मतलब आपकी डेस्टिनी आपके साथ होने वाली है। ये जो चेंज होगी ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है, अक्टूबर मंथ की ये चेंज, ओके। और ढेर सारा ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में आगे आ रही है, ओके। चलिए कुछ और भी चेक करते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आप लोग गेट करने वाले हो, ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली है डिवाइन से। एट ऑफ कप्स, देखिए सेम जैसी एनर्जी है, कुछ लोगों से आप कट ऑफ करना चाहते हो, कुछ जगह पर आप खुश नहीं हो, जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हो, दूर होना चाहते हो, जो लोग आपको बार बार हर्ट करते हैं, तो आप सक्सेसफुली उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे जहां से आप बाहर आना चाहते हो। आपके सामने ना कुछ ट्रूथ रिवील होगी, आपको ये समझ में आएगी अक्टूबर मंथ में कि कौन आपके ट्रू फ्रेंड है और कौन लोग आपके पास बस अपने फायदे के लिए हैं, ओके। तो आप सक्सेसफुली उन लोगों से मूव ऑन कर पाएंगे जो बस मतलब से आपके पास है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, बस आपके तरफ से ही एफर्ट होती है, इसी वजह से कनेक्शन चल रहा है। तो ये ट्रूथ आपके सामने रिवील होगी और जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। किंग ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा ना इमोशनली दूसरे आपको बहुत ज़्यादा पास्ट के टाइम में हर्ट कर देते थे, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत लविंग हो, बहुत गिविंग हो, ओके, केयरिंग बहुत ज़्यादा हो, बाहर से आप चाहे जितना भी शो कर लो, स्ट्रिक्ट हो आप, कुछ भी आप शो कर लो, एक्चुअली में आप बहुत चाइल्ड लाइक हो, बहुत इनोसेंट हो और साथ में बहुत लविंग हो, ओके। और आपकी इसी नेचर की वजह से दूसरे आपको इजीली हर्ट कर देते हैं, तो इसमें चेंजेस आएगी, आप थोड़ा और अपनी इमोशंस को होल्ड कर पाएंगे, आप इमोशनली और ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हो जाएंगे, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं, ओके। तो ये ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में अक्टूबर मंथ में आने वाली है। चलिए अभी थोड़ा देख लेते हैं आप लोगों की फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर मंथ में, फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी। पेज ऑफ पेंटेकल्स, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग तो होने वाली है, फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत यूथफुल एनर्जी शो हो रहे हैं, नया कुछ करने के लिए जो एनर्जी होती है ना, बहुत एनर्जेटिक फील होना, साथ में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना, प्लानिंग करना, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है थोड़ा आप इमैच्योरिटी की वजह से थोड़ा यहाँ पर लॉसेस भी हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाइएगा। और फाइनेंशियल लाइफ को लेकर दूसरों से अगर आप कोई एडवाइस लेते हो, जो एल्डर से, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ऐसे कोई पर्सन से अगर कुछ इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप एडवाइस लो तो वो आपके लिए सही होगी। यस, यहाँ पर आपकी कुछ नेगेटिव हो सकता है, जो पैटर्न रही है फाइनेंशियल लाइफ की टूवर्ड्स, जो आपकी अप्रोच रही है वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाया जा रहा है, ओके। यस, अगेन 10 की एनर्जी है, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लाइफ में मैसिव चेंज लेकर आ रही है, हर एक एरिया में, फाइनेंशियल लाइफ में, लव लाइफ में, हर एक एरिया में बिग चेंज आप लोग नोटिस कर पाएंगे। चलिए लव लाइफ में देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रही है। रिलेशनशिप भी आपकी हील होने वाली है लव लाइफ में, बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, जो आपकी ट्रू बॉन्ड है वो यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए दिखाया जा रहा है, ओके। वाव, सन कार्ड, यस, लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, ओके। फैमिली के टूवर्ड्स यहाँ पर एक्शन शो हो रहे हैं, मतलब फैमिली लाइफ के टूवर्ड्स आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। कुछ लोगों के यहाँ पर हो सकता है, अगर आप लोग बहुत दिन से बेबी प्लान कर रहे हो, अगर बहुत दिन से आप इश्यूज प्लान कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होंगे। अक्टूबर मंथ में गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, लव लाइफ में बहुत सारा गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है, न्यू बिगिनिंग। बहुत सारे लोगों के लाइफ में मैरिज के चांसेस, डिवाइन यूनियन के चांसेस बन रहे हैं, ओके। लव लाइफ में मैसिव चेंजेस आ रही है। चलिए अभी गाइडेंस पिक कर लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। बहुत ही अच्छी होने वाली है अक्टूबर मंथ, ढेर सारा ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस लेकर आ रही है। चलिए इसमें ब्लेसिंग्स तो आ रहे हैं, गाइडेंस भी देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से। यस का कार्ड है, अक्टूबर मंथ में ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी, जो आप मांग रहे हो दुआ में उसके लिए डिवाइन यहाँ पर यस कह रहे हैं।
आपको ज़रूर से सक्सेस मिलेगी, जो चाहते हो उसको एंजल्स को आप लोग कहिए, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। लुक फॉर अ साइन, आपको येस कहा जा रहा है, जो भी आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, दुआ में जो मांग रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, आप साइंस को देखने की कोशिश करिए, क्योंकि इस टाइम में जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना आप अपनी लाइफ के जो जर्नी है उसमें आप उनके सहारे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा चेंजेस, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में जब आ रही है, तब आपको उनके साथ ज़रूर से कनेक्टेड रहना है। जो आप प्रेयर्स करते हो करते जाइए और साइंस को देखते जाइए, आपके लिए यहाँ पर बिग ईयर्स है, मतलब डेफिनेटली सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ में से, और एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में ओवरऑल हर एक एरिया में होने वाली है। ओके, तो यही है गाइज आप लोगों के लिए अक्टूबर की प्रेडिक्शन। अगर आपके साथ आगे ये रेजोनेट होती है, एनर्जी अगर मैच हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।